Assalamu alaikum. Very good morning to everyone. Welcome to Raja Wakas YouTube channel. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन गुजार रहे होंगे. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वेजिटेबल, मेथी का साग. बहुत शौक़ से सर्दियों में खाया जाता है और बहुत आसान है इसे ग्रो करना. मेरे पास ये जो जिस एरिया में मैंने इसे ग्रो किया, इट्स अराउंड 6x6, 6 फुट बाय 6 फुट, इतना ये एरिया है जिसमें मैंने इसे लगाया. और मुझे इसको लगाए हुए तकरीबन एक माह हो गया और एक माह में इसकी ग्रोथ वगैरह हो चुकी है और अब ऐसा है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये अपनी पहली कटाई के काबिल हो जाएगा. और जब इसकी पहली कटाई की जाती है तो उसके बाद से फिर ये और एग्रेसिवली ग्रो करता है और बहुत ही ज़बरदस्त एक हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल. आपको पता है कोई सी भी ग्रीन्स जो हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. तो ग्रीन्स आपको मैक्सिमम अपनी जो सब्जियां हैं अपनी खुराक है उसमें शामिल करनी चाहिए. सो मेथी बहुत आसानी से ग्रो होती है. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आपके पास, इवन आपके पास पॉट्स हैं तो पॉट्स में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं. और साथ साथ आप कटिंग करते रहेंगे तो पॉट्स में मैं रिकमेंड करूँगा तकरीबन 5 से 10 पॉट्स ले लें और उनमें आप लगाएँ तो आपको वीकली जो है 2 टाइम्स इतनी मिल जाएगी आपको कि 2 टाइम्स उसे आप अपनी फैमिली के लिए कुक कर सकते हैं इफ़ यू आर मेंबर ऑफ 4. सो ये है जी मेथी. सब्जियां घर में ज़रूर काश्त करें क्योंकि सब्जियां काश्त करना एक बहुत हेल्दी, आई वुड से कि एक हॉबी भी है और साथ साथ इट्स गिविंग यू समथिंग एज वेल रादर देन जस्ट यू नो कि ऐसा नहीं है कि आपको पैसे वेस्ट कर रहे हैं. आप बीज लगाते हैं, पौधा निकलता है, आपको बहुत खुशी होती है और उसके बाद अपने घर की जो ताज़ा सब्ज़ी आपको खाने को मिलती है उसका कोई नैमल बदल नहीं है. तो ज़रूर कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ अपने घर में काश्त करें. थैंक यू. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़.